आज इधर मदारी पाशी का विवाह हो जाता है, लखनऊ जो आजकल हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आज वहां पर विवाह हो जाता है। कुश्ती को सीखा, पहलवानी सीखा, धनुष बाण चलाना सीखा, हर सीखी कुश्ती वीर मदारी, धरी धरी वीर न अपना ध्यान। सीखी कुश्ती वीर मदारी, धरी धरी वीर न अपना ध्यान। सीखी कुश्ती वीर मदारी हो, सीखी कुश्ती वीर मदारी, धरी धरी वीर न अपना ध्यान। भोजन अल्प स्वान सम निद्रा, योद्धा बन गए सिंह स्वान। आज इधर क्या किया, जब ऊंची जात के लोगों ने अखाड़े में कुश्ती नहीं सीखने दिया तो आज मदारी पाशी ने अपना अखाड़ा खोल दिया मोहन खोड़ा गांव में। हुआ क्या, गजब हो गया। खुलो अखाड़ा मोहन खेड़ा हो, खुला अखाड़ा मोहन खेड़ा, चर्चा चहुंडी से पहुंची जा। दूरी दूरी के लोग जो आमई विद्या सीखें वो हर्षाई। समय बड़ा बलवान जगत में, भैया ध्यान बिसरी ना जाए। कैसे समय ने करमट ले लिया मनोज। कल तक जो लोग नफरत करते थे कि नीची जाति में पैदा हुआ, राजा राज्य पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। भाइयों समय बड़ा बलवान जगत में, मर्द ध्यान बिसरी ना जाए। अरे दूरी दूरी के लोग जो आवई कुश्ती दंगल सिखई अघाई। मुखिया सम सम्मान देती हैं, मनोज ध्यान बिसरी ना जाए। एकजुट हुई के रहाओ भाइयों, वीर मदारी रहे समझाए। आज मदारी पासी बैठे हुए लोगों को संदेश दे रहे भाइयों, ये अनेकता में एकता पैदा करो और एकजुट होकर चलो भाइयों हो, एकजुट होकर चलो भाइयों, वीर मदारी गए समझाई। बड़ा दुर्भाग्य हमारा वीरन, राजवंश यो समझत नाई। बड़ा दुर्भाग्य हमारा वीरन, राजवंश यो समझति नाई। हर करौ संगठन एका, बांधौ एकै साथ चलौ सब भाई। अलग अलग जो हुई के चली हो, फिर तौ खैर कुशल है नाई।
हव यहाँ दी करऊ उन वीर मदारी की वीरन एक आले बनाई। अरे गाँव गाँव और गली गली मार रहे आनंद के टेर लगाई। अरे बारह बरस समय जीवन को हमने समाज में दिया लगाई। अरे बारह बरस का समय ये वीरन हमने समाज में दिया लगाई। अरे एससी एसटी ओबीसी सब जन भेद भाव बिसराई। गले में बहिया डारो सब जन पचासी एकजुट हुई जाओ। समता तुमका मिली है वीरन आजादी तुम रहे लुटाई। 15 पर 85 पर 15 भारी कैसी गणित समझ ना आई। और राजपाट सब अपनो ली जय बहुमत अपना ले बनाई। अरे मिशन के काम ये हम ना छोड़ जब तक तन में मेरे है जान। छुआ छूत को सब जन त्यागो हो। कैसे आज पुरखे संदेश दे गए फिर भी मनुष्य मान नहीं रहा। छुआ छूत को सब जन त्यागो मानव मानव एक समान। बुद्ध कबीर रविदास हजरत ईसा पैगंबर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वीर जननायक मदारी पासी सबने संदेश दिया क्या। हक को मारई कोई तेरे तो फिर बस तुरत कसौ कमान। भैया समय होती बलवान कथा आगे की सुनी जय। वीरन समय बड़ा बलवान कथा आगे की सुन लीजिए। आगे की सुन लीजिए कि राहुल आगे की सुन लीजिए। वीरन समय बड़ा बलवान कथा आगे की सुन लीजिए। आइए किस तरह से संघर्ष हुआ हरदोई की धरती पर आप लोग सुन रहे हैं। इधर आज जब मोहन खेड़ा में अखाड़ा खोल दिया गया तो किस तरह से आज संघर्ष हुआ। भाइयों विद्वानों ने कहा था जो लोग कभी मदारी पासी से घृणा करते थे नफरत करते थे आज वही लोग आकर के दंगल में अखाड़े में कुश्ती सीखने के लिए आने लगे। चारों दिशाओं के लोग आज मोहन खेड़ा में मदारी पासी का अखाड़ा चलने लगा। आज विचार करिए भाइयों इधर जमींदार लोगों से सूदखोर लोगों से परेशान होकर के अवध के दक्षिणी जो जिले थे उनके किसानों ने आकर के आंदोलन किया। लड़ाई प्रारंभ हुई और एक किसान सभा की गई। उस किसान सभा का आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि वो किसानों के हित की लड़ाई लड़नी शुरू कर दिया।
और इसको नाम दिया गया किसान आंदोलन। यानी तमाम जो कर वगैरह होते थे, लगान जो लेते थे, वो कैसे माफ हो, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाने लगी। क्या हुआ भैया? अरे लड़े लड़ाई अब खूब किसाना ली है हक सब मन में ठाना। भैया पिंकू, आज किसानों ने लड़ाई छेड़ दी जमींदारों के विरोध में। लड़े लड़ाई खूब किसाना लिया है हक सब मन में ठाना। लेकिन हुआ क्या? गरीबों की आवाज कौन सुने और क्यों सुने? पर आंदोलन दिया दबाई विषम परिस्थिति सिर पर आई। भाव से किसान आंदोलन को दबा दिया गया, कार्यकर्ता लोग सब छिन्न भिन्न हो गए। आज कैसे कि लड़ती लड़ाई लोग सब और मन में भय हताश, बहुत बड़ी आशा लिए फिर पहुंचे मदारी पास। जब लोग हार गए जमींदार सूदखोरों से, आज सोचा किसान आंदोलन छिन्न भिन्न हो गया तो तमाम सैकड़ों लोग आज मदारी पासी के पास पहुंचे और अपनी आवाज लगाई कि हमारी मदद करो, सहायता करो और किसान आंदोलन को गति दिया जाए। आज मदारी पासी के नेतृत्व में किसान एका नाम का संगठन पहला बना, फिर इसी को जब लोगों का समर्थन मिला तो इसी किसान आंदोलन का नाम पड़ा एका आंदोलन, जो इसको इतिहास में लोग पढ़ते भी हैं। आज क्या हुआ? जनहित का आंदोलन था, जाति पाति का आंदोलन नहीं था भाइयों। ये सर्व समाज के किसान मजदूरों का, गरीब शोषित वंचितों का आंदोलन था। आज मदारी पासी एका आंदोलन को चलाया और क्या हुआ कि यह आंदोलन जनहित का था, जननायक ही आंदोलक थे। जननायक ही आंदोलक थे। और सत्य न्याय ही नहीं रहे और सत्य न्याय ही बना रहे, यही मुख्य उद्देश्य थे। Thank you.
आज गली गली में एक आंदोलन के लोग आवाज लगाने लगे, अवध प्रांत के जनपदों में विद्रोह हो गया भाइयों। और गली गली विद्रोह हुआ, और पासी मदारी बजा दिया, अरे अत्याचार पर रोक हुई, ऐसा वो अंकुश लगा दिया। आज मारू बाजा बिगुल बजने लगे, एक आंदोलन की चारों तरफ आवाज आवाजें सुनाई पड़ रही। जमींदार लोग घबरा गए, सोचा अगर किसानों को रियायत नहीं दिया तो ये किसान जो है हमारी हवेलियों पर कब्जा कर लेंगे। क्या हुआ भाई? तब जमींदार ने सरकारों पर दबाव बनाया और पुलिस फोर्स लगाया गया मदारी पासी को गिरफ्तार करने के लिए। इस कारण से साथियों सहित जो मदारी पासी थे वो भूमिगत हो गए अपने आप को बचाने के लिए। आज विचार करना भाइयों, लेकिन कुछ लोगों ने मुखबरी दे दी और कहा कि फला जगह पर ये लोग हैं। तो आज जब पुलिस को पता चल गया तो आज पुलिस ने मदारी पासी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में जो है डाल दिया। आज आंदोलन एका आंदोलन छिन्न भिन्न हो गया, मदारी पासी गिरफ्तार हो गए और इनको 5 महीने की सजा हुई। किसानों के लिए लड़ाई लड़ने का ये इनको फल मिला। ध्यान दीजिए भाइयों, जब जब किसी ने गरीबों की आवाज को बुलंद किया उसको दबाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। आज देश में किसान की दशा वर्तमान समय में भी बहुत खराब है। इन्हीं किसानों के हित की लड़ाई कभी मदारी पासी जननायक लड़ा करते थे। प्रस्तुत कैसेट इसीलिए आपके बीच में लेकर के चल रहा हूं भाई। तो आंदोलन तो छिन्न भिन्न हो गया, 5 महीने की सजा भी हो गई, लेकिन उसके बदले में किसानों को क्या मिला? लगान की दरें तय की गई, बिना दर के लगान पहले लिया जाता था। जमींदार लोग कोई निश्चित उनके दर नहीं थी कितना हम लगान लेंगे, जितनी इच्छा होती थी उतना लगान लेते थे। तो उसकी एक दर जो थी वो तय की गई। बेगार प्रथा, जो बेगारी प्रथा चलती थी उस पर रोक लगी। उसी आंदोलन के तहत मदारी पासी जननायक ने जो किया, जमींदार कर लेते थे हथिया वाहन घोड़ा वाहन मोटरा वन, ये रद्द हुए। ये इस आंदोलन एका आंदोलन की वजह से सब कुछ हुआ। तो किसानों को तो ये सब कुछ मिला, लेकिन मदारी पासी को 5 महीने की जेल मिली। लौट करके जब आए तो संकल्प लिया अपने मन में कि मैं लौट करके अपने गांव अब मोहनखेड़ा नहीं जाऊंगा। और क्या हुआ? कि मिल गया किसानों, कि मिल गया जीवन किसानों को, और मानो ये पुनर्जन्म पाया। भैया मनोज, अब हिल गई जमींदारी सारी, दुष्टों का दिल भी थर्राया। मिल गया वो जीवन किसानों को, मानो ये पुनर्जन्म पाया। हिल गई जमींदारी सारी, दुष्टों का हृदय थर्राया। किसानों को जमीन मिली, लगान की दर तय की गई, लेकिन वीर मदारी जननायक को आज जेल मिली। क्या हुआ भाइयों? पली कीमत चुकानी, घर परिवार वीरान हुआ, जमीन जायदाद सब नष्ट हो गई।
जमीन जायदाद सब गई जिसका हमें प्रमाण मिला। इस भाव से आज मदारी पासी की जमीन जायदाद चली गई, घर से बेघर हो गए। जेल से छूटने के बाद में मोहन खेड़ा गांव वापस नहीं गए। धन्य ऐसे महामानव को बार बार सत सत नमन करता हूं। और वहीं पर संडीला तहसील के पास जो अटरिया डीह पड़ता है, अटरिया डीह पर जो है वहीं पर रहने लगे और वहीं से अपने लोगों को समझाने लगे, एकता भेदभाव को समाप्त करो, एकता को कायम करो, ऐसा संदेश जन जन तक मदारी पासी पहुँचाने लगे। आइए अंतिम चंद लाइनें आपके बीच में और प्रस्तुत कर रहा हूं। कि चलो न्याय की राह सभी अन्याय को सहना ना चाहिए, अटरिया डीह पर बैठे हुए लोगों को अपने आप समझा रहे हैं मदारी पासी जननायक। आज फिर निवेदन करना चाहता हूं, राजवंश समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जागरूक बने, अपने महापुरुषों का इतिहास ढूंढें। हमारी वाणी को YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हमारा कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी का बटन आप लोग आल पर सेलेक्ट करिए, ताकि नए नए कार्यक्रम आप लोगों को आनंद राज हरदोई चैनल के माध्यम से, बहुजन गायक आनंद राज चैनल के माध्यम से मिलते रहें। अपना ये जो काम कर रहा हूँ इसको सफल और सार्थक समझूंगा। चलो न्याय की राह सभी अन्याय को सहना ना चाहिए, चलो न्याय की राह सभी अन्याय को सहना ना चाहिए। एक दूजे सहयोग करो, फूट को डालना ना चाहिए, आज मदारी पासी लोगों को समझा रहे भाइयों। मानव मानव एक समान, भेदभाव वो ना चाहिए, अरे वीर जवानों ज्ञान सीखो या ज्ञानी बनना ना चाहिए, भाइयों ज्ञान सीखो या ज्ञानी बनना ना चाहिए। आज ये आनंद राज अपनी टूटी फूटी आवाज के माध्यम से जननायक मदारी पासी के इतिहास से आपको परिचित करवा रहा है। एकता को कायम करिए, अनेकता को भगाइए, इसी से हमारे समाज का और हमारी भलाई होगी। चलो न्याय की राह सभी अन्याय को सहना ना चाहिए, आज इस भाव से अपना नाम अमर करके दुनिया में चले गए। एका आंदोलन की लड़ाई को लड़कर के चले गए, किसान और मजदूरों की लड़ाई को लड़कर के चले गए। यहाँ तक इतिहास में प्रमाण मिला कि उसी अटरिया डीह पर 70 वर्ष की अवस्था में इनका परिनिर्माण सन 1930 में हुआ, ये प्रमाण हमें जो इतिहास में मिला। और तमाम लोग समाज में काम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी इनकी वंशावली में अभी लोग जीवित हैं, हमें जो प्रमाण मिला, लोग इन्हें गरीबों का गांधी कहती थी, राजा मदारी पासी जैसी उपाधियां इनको जनता ने दी। तो आज इनका परिवार जो है, तो मोहन पासी इनके पिता का नाम था, मोहन पासी के मदारी पासी, और मदारी पासी के दो पुत्र हुए हरि और ईश्वरदीन। हरि के दो संतानें हुई त्रिलोकी और रामलाल,
त्रिलोकी के दो संतानें हुई, श्री राम और सियाराम। श्री राम जी जो इनके प्रपौत्र हैं मदारी पासी जी के, जिनसे मैंने फ़ोन से संपर्क किया, उनको जो जानकारी थी उन्होंने हमें बताई। इसके लिए इस कैसेट के माध्यम से उनको भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और नरेंद्र पाल भाई जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें जानकारी प्राप्त कराई इसके बारे में, और श्याम सुंदर जी जो हरदोई के रहने वाले हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें जानकारी प्राप्त कराई। सभी साथियों को पुनः पुनः साधुवाद देते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बहुजन समाज, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।